दोस्तों, सावन का महीना है और बाबा नगरी भी जाना है। बाबा नगरी वाले दूर है, पर कहना जाना भी ज़रूरी है। और ये जो सावन का महीना है ना, हर दुनिया नज़दीक कर देता है। यही तो भोलेनाथ है और उसका प्यार है। हर आरंभ का मैं अंत हूँ, हर अंत का मैं आरंभ हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं शिव हूँ, मैं काल हूँ, मैं ही महाकाल हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ टोटन रॉय और आज की ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं बाबा धाम। कुछ डिफरेंट है, सावन की महीने चल रहे हैं, पता ही है बाबा धाम जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम सिलीगुड़ी से जाएंगे सुल्तानगंज, यहाँ से ट्रेन में रात को, फिर सुल्तानगंज से देवगढ़ तक हम जा पदयात्रा करेंगे, करेंगे 110 किलोमीटर। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ये पदयात्रा कैसा होने वाला है, क्योंकि 110 किलोमीटर एक दिन में तो पैदल हम नहीं जा सकते। और हमारे साथ हमारे कुछ ईशा फैमिलीज मेंबर भी जा रहे हैं एक दो, तो वो गाइडेंस मिल ही जाएगी। और सामान क्या लेना है हमें उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हमने ज़्यादातर हमारा पावर बैंक बैकअप लिया, क्योंकि हमें ब्लॉगिंग करना है। तो चार्जिंग स्पॉट रहेंगे कि नहीं रोड में ये पता नहीं, तो हमने ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा लिया। और पहनने के लिए क्या है, जूता तो पहनना नहीं है, बेयर फुट जाना है। और हमने ये सेफ सॉइल को भी रिप्रेजेंट करना है, मिट्टी बचाओ। तो ये पदयात्रा के साथ हम थोड़ा मिट्टी का पोछा भी कर लेंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर NJP रेलवे स्टेशन में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं स्टेशन अभी सिलीगुड़ी NJP। यहाँ से अभी हमने जस्ट टिकट किया, हमारे दो साथी पीछे। तो यहाँ से सुल्तानगंज चलेंगे, फिर वहाँ से जैसे कि मैंने बताया हम पैदल चलेंगे करीब 110 किलोमीटर। तो दोस्त लोग, थोड़ा मुश्किल है कि हमने हमारा रिजर्वेशन नहीं है, बस अभी भोलेनाथ के भरोसे में छोड़ दिया। TT से अगर कुछ जुगाड़ हो गया, हमने ऐसे जस्ट काउंटर से नॉर्मल टिकट किया, तो अभी जुगाड़ करना पड़ेगा TT से, देखते क्या होता है। सो दोस्तों, अभी ट्रेन आ रहा है पीछे, देख सकते हो। तो गुड लक टू अस, सीट मिल जाए। और ये हमें सुल्तानगंज कल सुबह 7 बजे पहुंचा देंगे, अगर ट्रेन करेक्ट टाइम पे चलता है तो। नमस्कार हम दोस्तों, हम लोग पहुंच गए सुल्तानगंज, देख सकते हो। और यहाँ से चलेंगे हम देवगढ़ तक पद यात्रा करके, करीब 110 किलोमीटर है। और जर्नी अच्छा ही रहा, जितना सोचा वैसा नहीं रहा, सीट मिली गए हमें और आराम से आ गए यहाँ तक। मिलते हैं आगे। सो नमस्कार दोस्तों, अभी हमने थोड़ा सेफ सॉइल का स्टिच किया बैगों में, थोड़ा झंडा लगाया, फिर अभी जाएंगे हम गंगा स्नान के लिए। वहाँ पे जल लेके फिर सीधा चलेंगे देवगौर के लिए, बाबा के दर्शन के लिए। शायद आज मौसम बहुत अच्छा है, तो हो सकता है 30 से 35 किलोमीटर चले। अन्ना कौन सा मंदिर बोला ये? देवीनाथ। अच्छा देवीनाथ। तो दोस्तों, ये सामने देख रहा है आज देवीनाथ मंदिर, और सामने ये गंगा नदी है। सो यहाँ पे स्नान करेंगे, जल भरेंगे, फिर चलेंगे बाबा के दर्शन की ओर, जो देवघर झारखंड में है। यहाँ से करीब 110 किलोमीटर। अभी हम सुल्तानगंज सुल्तानगंज अभी हम सुल्तानगंज बिहार में हैं, और हमें जाना है आपसे देवघर, करीब 110 किलोमीटर यहाँ से, वो झारखंड में। तो अभी हम ये गंगा के स्नान करेंगे, फिर यहाँ से जल भरेंगे ना, यहाँ पे जल भर के चलेंगे।
सो दोस्तों ये है गंगा नदी। सो यहाँ पे जितने भी कबरिया और श्रद्धालु होते हैं यहाँ पे स्नान संपूर्ण करेंगे, फिर अपने कबरिया में यहाँ से गंगा जल भरेंगे, उसके बाद पूजा देने के बाद ये पदयात्रा शुरू होगा यहाँ से, और ये जल अभिषेक करेंगे देवघर बाबा धाम में। नमस्कार दोस्तों, अभी समय हो रहा है 11:15 और अभी हमने अपना स्नान गंगा स्नान संपूर्ण करके यहाँ पे पूजा देके चल रहे देवघर के लिए, और आज हमारा पहला दिन है। मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा बारिश भी हो रहा है, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चलें क्योंकि धूप बिल्कुल ही नहीं है। और देख सकते हो सेफ सॉइल मिट्टी बचाओ की नारा भी चलना चाहिए बाबा की बाबा धाम के दर्शन के साथ। अभी तक हमने 1 से 2 किलोमीटर ही चले हैं बस, जैसे कि हमने बताया ये नारा बस चलना चाहिए, बाबा नगरी दूर है जाना भी ज़रूरी है, ये नारा 110 किलोमीटर तक चलते रहेंगे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं दोस्तों, जो इसके जो आनंद है ना, आप यहाँ पे नहीं आएंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लिया यहाँ पे, तो करीब 10 किलोमीटर चल चुके हैं, तो 5-10 मिनट थोड़ा पैर को रेस्ट देके फिर से चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम चल चुके करीब 20 किलोमीटर, तो अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे यहाँ पे, फिर चलेंगे वापस। और अभी तक का जो पदयात्रा था हमारा बहुत ही अच्छा था, तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे हम 20 किलोमीटर चले और रास्ते में हमें किधर भी ऐसा नहीं हुआ कि खाली है रास्ता और बिल्कुल ही कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने रोका है, यहाँ पर थोड़ा हल्का सा लॉन्च करेंगे, थोड़ा हैवी नहीं करेंगे क्योंकि हमें फिर चलना है करीब, जैसे कि मौसम अच्छा है तो इसके पूरी फ़ायदा उठाना है हमें, करीब 20 से 25 किलोमीटर और चलना है। चलो फिर मिलते हैं लॉन्च के बाद। सो नमस्कार दोस्तों, हमने ब्रेक ख़त्म किया, अभी फिर से चलना शुरू किया, थोड़ा बारिश हो रहा है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ा दिक्कतें हो जाएंगे क्योंकि हम भीग जाएंगे, मुश्किल नहीं है, लेकिन बैग में जो सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भीग जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल है, कोई नहीं। चेतन नाम है, कॉल कर लेता हूँ, हमने इसलिए कॉल हॉट व्हील्स सेफ सॉइल इस वेबसाइट में जाएंगे ना आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेंगे, और वैसे भी अगर यूट्यूब फेसबुक में सेफ सॉइल डाल के सर्च करेंगे ना आपको बहुत सारे। सो दोस्तों ये जो बम भैया लोग हैं ये डाक बम कर रहे हैं, जो पूरा 24 घंटे में ये लोग ये पूरा 110 किलोमीटर की पदयात्रा संपन्न करेंगे। और मैंने अभी एक बम भैया से बात किया तो उन्होंने बोला कि उनको ये 24 घंटे भी लगते नहीं, 14 से 15 घंटा में ये लोग पूरा पदयात्रा संपन्न करता है। जिस थोड़ा अंदाज़ा लगा दो यार, 14 से 15 घंटा में 110 किलोमीटर पूरी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये डिवोशन है दोस्तों, ये कंप्लीट डिवोशन है बाबा के ऊपर। यही तो सुंदरता है हमारी सनातन धर्म की, और यही सुंदरता है हमारा देश की, हमारे कल्चर की। हम सच में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं दोस्तों, हमारा जन्म इस देश में हुआ और सनातन धर्म में हुआ। बोल बम डाक बम है, 24 घंटे कितने बजे निकले? 3 बजे भैया डाक बम है, कितने बजे निकले? कितने बजे निकले? 2 बजे। हेलो, बोले बोम टाटा जमशेदपुर से हो? अच्छा अच्छा, वहाँ से कब निकले थे? वहाँ से पैदल आए कि मतलब सुल्तानगंज से? सुल्तानगंज से पैदल आए। अच्छा अच्छा, या आज सुबह निकले? नहीं, कल निकला। कल फिर कितने किलोमीटर चले? कल मैंने चला 20 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, सुल्तानगंज से लेकर झारखंड। कुछ बोल दो हमारा सतगुरु जी के लिए। ये नमस्कार दोस्तों, हमें एक दोस्त मिला जो सतगुरु जी के बहुत बड़ा भक्त है,
तो हम इनको रिकमेंड करेंगे, तो इनर इंजीनियरिंग करिएगा और अपने आप को खोजिएगा, अंदर की जो जो इंसान है उसको बाहर निकाले। जरूर जरूर ना। नमस्कार दोस्तों, बाबा धाम दूर है पर जाना ज़रूरी है। हो गया शाम और हम आज चल चुके करीब 23 से 24 किलोमीटर, पर कोशिश करेंगे और 6 से 7 किलोमीटर और चले। फर्स्ट टाइम है, थोड़ा पैर में दिक्कतें आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, और 6-7 किलोमीटर तो आज चलेंगे। फिर आज के लिए समाप्त करेंगे, फिर कल चलेंगे। तो आज पहला दिन के जाने में बहुत सारे चीज़ें देखने को मिली हमें, और एक चीज़ है दोस्तों, इन लाखों लोगों के बीच में ना आप कभी अकेले फील नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की पदयात्रा हम समाप्त किया, तो यहाँ पे रेस करेंगे, तो हमारा जो जल है गंगा जल है और यहाँ पे रखा, और उसको थोड़ा पूजा देखें, थोड़ा फ्रेश होंगे। तो इधर ही ये स्टे कर रहे हैं हम आज। सो नमस्कार दोस्तों, बाबा धाम दूर है पर जाना ज़रूरी है। तो आज दिन के समाप्त हम इधर ही करते हैं, करीब 30 किलोमीटर चले, पता नहीं 2 किलोमीटर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो हम हो चुके टायर्ड, स्पेशली टायर्ड तो नहीं हुए, लेकिन हमारा जो पैर है ना वो नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। हमसे ज़्यादा हमारा जो साथी है वो पीछे दिख रहा है, ग्रीन टी शर्ट वाले दोनों, उनकी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। तो आज विश्राम इधर ही करेंगे, तो विश्राम करने के बाद कोशिश करेंगे कल सुबह सुबह जल्दी उठें और जल्दी निकल जाएं। आशा करते हैं कि धूप ना हो कल भी, मौसम ऐसे ही रहे। पर सबसे बड़ी परेशानी है हमारा जो लेक का कंडीशन है, वो कैसा होता है कल, उसके ऊपर उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे हम कितना किलोमीटर चलेंगे कल। पर हम अगर सब कुछ सही रहता है तो कम से कम 30 से 40 किलोमीटर तो चलना ही है कल भी। तो दोस्तों चलो फिर मिलते हैं कल सुबह। धन्यवाद।